विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा मेयर शो में, हम अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं और वार्ड में जो वार्ड पार्षद हैं उनसे जान रहे हैं कि 4.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है, आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएँ हैं। लेकिन आज हम आपको कौन बनेगा मेयर शो में कुछ खास बताने वाले हैं। एक नाम आपने सुना होगा, प्रीतदान सिंह राठौड़। प्रीतदान सिंह राठौड़ कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे के ऊपर आज सवार हैं और आज उनसे कुछ बातचीत कौन बनेगा मेयर शो में हम करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों प्रीतदान सिंह राठौड़ को आज हमने कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे पर सवार किया है, ये जानने के लिए ये शो आपको पूरा देखना होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार क्यों हमने प्रीतदान सिंह राठौड़ को कौन बनेगा मेयर शो के अंदर ई रिक्शे पर बैठाया है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मेरे सहयोगी कहूँगा कि आए और भैया अपने ई रिक्शे की जो सवारी है इसको आप शुरू करें, अपन चलें घूमें। प्रीतदान सिंह जी ये बताइए, अभी आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए, उनसे आपने कहा कि साहब मुझे तो इच्छा मृत्यु चाहिए, ये क्या बला है? सर आपको याद होगा 19 सितंबर 2018 को आपने जिला कलेक्टर अजमेर के बाहर मेरा पूरा इंटरव्यू लिया था। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी, जिस उस वीडियो को देश और दुनिया ने देखा था और वहाँ मैंने 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आत्मदाह आत्महत्या करने का कहा था। लेकिन मुझे 24 तारीख को उठा लिया था, 6 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी आने वाले थे, 30 तारीख को घर से उठा के और ले जाके 8 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। सरकार नहीं बन गई थी विधानसभा, तो मैंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी को एक पत्र लिखा, उसका मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं कह नहीं सकता, मेरे प्राइवेट पार्ट खराब ख़त्म हो चुके, डॉक्टर ने नो इलाज बता दिया, तो मैं अभी देसी दवाई वगैरह लेके 4-6 महीने से तैयार हुआ। फिर मैंने इनको पत्र लिखकर दिया लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। सीएम हाउस गया था 2 महीने पहले, वहाँ मुझे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। तो अब मैं आखिर उस आपके इंटरव्यू को इससे लिंक करके कह रहा हूँ कि मैं अब कहीं कोई उम्मीद नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज से इच्छा मृत्यु तो मांग ही सकता हूँ, क्योंकि शरीर खत्म हो गया, मेरी धर्मपत्नी आदि पागल हो गई, 25 से 30 साल की बेटियाँ जिनकी करियर बर्बाद हो गई, पढ़े लिखी बेटों का बर्बाद हो गया, नौकरी नहीं, शादी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर जीने का हक, न्याय, अधिकार सब कुछ छिन गया। तो आत्महत्या आत्मदाह कहे तो जैसे अभी बताया जेल में डाल देते हैं, ऊपर से ऐसी धाराएं लगाते हैं, दो दो लोगों के मूल निवास पत्र 1 लाख रुपए की जमानत भर के, और मेरे को जमानत मिली थी जेल से निकला, तो फिर अब इच्छा मृत्यु मांगना अपराध नहीं है, आत्महत्या या आत्मदाह कहते हैं तो 151 वगैरह में लगा के बंद कर देते हैं। यही कारण है कि कल मैं कलेक्टर महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को और प्रतिलिपियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और नागौर के मेरे सांसद हनुमान बेनीवाल को भेजा है, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो जैसे मैंने कल कहा है फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, वही 18 किलो की सांकल बांध के और ये जितने अभी आपको नाम लिए उनके द्वार पे जाके एक दफा धोख लगाऊंगा, फिर भी नहीं सुने तो राष्ट्रपति भवन के सामने ऐसा एक आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जो 72 साल की आज़ादी में न देखा है और भगवान करे न देखने की किसी को जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या कानून पर भरोसा नहीं है, यही एक आखिरी रास्ता बचाएगा आपके पास? सर मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि अजमेर से लेके और दिल्ली का ऐसा कौन सा संस्था को मैंने छोड़ा है, मैं कोई आरक्षण नहीं मांग रहा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अमेंडमेंट करना पड़े, नया कानून बना, दर्ज मुकदमे है मेरे ऊपर है, मेरी बेटियों पे, मेरी पत्नी पे, मेरे बेटों पे, उनकी मैं एक निष्पक्ष जांच मांग रहा हूँ, क्यों 6 साल हो गए, जब तक ये जांच होके फैसले नहीं आएंगे तब तक क्या मैं पढ़ी लिखी बेटियों को घर में रखूँगा, ये मेरी मजबूरी है। इसलिए कानून पे मेरा पूरा भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, लेकिन उस कानून को फॉलो करने के लिए जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जब पहलू खान की हत्या हुई थी उसकी अशोक गहलोत SIT जांच दे सकते हैं, तो फिर प्रीतदान को SIT जांच क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यह विश्वविख्यात सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मास्टरमाइंड
अमित शाह का बाया हाथ, जज लोया का हत्यारा, आर के मार्बल का डायरेक्ट अशोक पाटनी, विमल पाटनी, इन्होंने दोनों सरकार, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कब्जे में ले रखा है। अमित शाह और गुलाब चंद कटारिया की दुखती हुई नस इस अशोक पाटनी के हाथ में है, इसलिए मुझे न्याय जांच नहीं मिल रहा है। बाकी तो हर खुलासे मैंने कर रखे है, वो देश और दुनिया ने देख रखा है। चलिए, लोग जब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये भी हो रहा होगा कि आखिर आप किस मामले की जांच की बात कर रहे हैं, किस मामले में आप चाहते हैं कि ये जांच बैठे। 2010 के अंदर आर के फ्यूल, जो आर के मार्बल का ही ब्रांच है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा के मेरे 6 करोड़ रुपए की व्यापार को बर्बाद किया, इज्जत को बर्बाद किया। उसकी जांच को लेके मैं निकला तो पुलिस वालों पे दबाव डाल के, जिसमें मेरे रिश्तेदार भी है, मेरे बेटे बेटियों और पत्नी पे मुकदमे दर्ज करा दिए। गच्छीपुरा थाना में मेरे गांव के अंदर संपत्तियां मेरी कब्जा की, मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, सब पे। थाने में गया तो उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। यहाँ सिविल लाइन थाने के अंदर जब न्याय के लिए थाने में या न्यायालय में जाना पड़ेगा, यहाँ गया तो वापिस मेरे ऊपर के, यानी कि मैं परिवादी बन के जाता हूँ, अपराधी बना देते हैं। मुकदमे दर्ज है मेरे भाई, मेरे कोई मौखिक आरोप नहीं है, सभी मुकदमे न्यायालय में दर्ज है, उनकी SIT जांच मांग रहा हूँ। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आप चल दो। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Break ke baad, ek baar phir aapka bahut bahut swagat hai Kaun Banega Mayor Show mein. Acha, ab ek baat aur bataiye. कौन कौन से बड़े राजनेता हैं जो आपके इस मामले में आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जिनसे आपने पैरवी की है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको वाकई सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, दे रहे हैं साथ आपका? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो अभी मांग की है इसको आप टाल दें, इसको आप नज़रअंदाज कर दें? देखो सर, मांग तो जब तक मरूंगा तब तक नहीं टालूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरा रास्ता नहीं है। राष्ट्र वाले राजनेताओं के अंदर, राजनेताओं में सिर्फ RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल से मुझे आशा थी। वो इसलिए आशा थी कि इन्होंने 3 साल तक लगातार विधानसभा में जांच की मांग की थी। इनका और BJP का गठबंधन होने के बाद मुझे एक इमूज जगी थी कि एक मेरा शान से नागौर, जो मैं नागौर का ही वोटर हूँ, वहाँ जाके मैंने वोट किया था तो भाई लोकसभा में आवाज़ उठेगी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तक बात पहुँच जाए। नरेंद्र मोदी यदि सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी यदि विश्व के अंदर छा सकते हैं, तो मुझे एक भरोसा था कि RK मार्बल ग्रुप के खिलाफ भी वो जांच दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ किस्मत मेरा ख़राब है कि ये NDA का हिस्सा बनने के बाद हनुमान बेनीवाल एकदम से, वो कहते हैं कि बेचारा, बेसहारा, मजबूर हो गया। यह सबसे मेरा दुख हुआ और सबसे बड़ा मुझे आघात भी पहुंचा कि हनुमान बेनीवाल जैसा आदमी, जिसको एक एक चीज का पता है, वो खुद LLB है, वकालत है, छात्र नेता है, MLA निर्दलीय बने हुए हैं और आज सांसद है, वो आदमी जो घुटने टेक दिया तो सबसे बड़ा मुझे दुख हुआ। दूसरी अजमेर के सांसद है भागीरथ चौधरी, आप सबको पता कि भागीरथ चौधरी RK मार्बल में मजदूरी करते थे, वहीं से निकल के MLA बने थे और अभी करीब 4 महीने पहले ये जो SV मित्तल है, ब्लॉगर है, इनके जो आप इंटरव्यू ले रहे 1-to-1 में भागीरथ चौधरी ने कहा है कि RK मार्बल अशोक पाटनी से मेरे पारिवारिक संबंध है। तो जिसके पारिवारिक संबंध है वो सांसद क्या मुझे न्याय दिलाएगा? और कांग्रेस का सचिन पायलट है जो इस मामले में फंसा हुआ है। दूसरी बात, आपको मैंने पहले ही बताया और बता रहा हूँ, 5,000 करोड़ का कोल ब्लॉक इसकी वंडर सीमेंट को दे रखा, वो दोनों सरकारों ने मिलकर दिया है। वो 5,000 करोड़ का राजस्व राजस्थान की आम जनता का छीनेगा, उसमें 500 करोड़ दोनों पार्टियों को दे देगा, जितने MLA उनको चुनाव लड़ने के लिए दे देगा, जितने MP उनको चुनाव लड़ने दे देगा। तो 5,000 करोड़ में 2,000 करोड़ बांट दिया तो भी उसके पास 3,000 करोड़ है। कौन इसके खिलाफ खड़ा होगा? मेरे भाई, एक इतिहास का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई में जैसे सब लोग अकबर के साथ हुए थे, वैसे ही आज सब लोग अशोक पाटनी के,
एक एक जो शब्द बोलूंगा लिखित में सबूत है, प्रूफ है, सरकारी दस्तावेज है, जांच रिपोर्ट है, आरटीआई से निकली हुई है, हर अदालत की ऑर्डर शीट है, हर जगह के सबूत है। राजनेताओं में कोई साथ देगा नहीं, मेरा समाज है जिसके अंदर ये सिरमौर लोकेंद्र सिंह कालवी और गोगा मेड़ी जैसे ये सब पसे हुए हैं। आपके ये जो समाज सेवी सोए घोषित भंवर सिंह जी पराड़ा के पास 3 बार गया था, ये मेरे करीबी से करीबी रिश्तेदार है, ये मेरे सगे बहनोई उनके मामा के बुआ के बेटे भाई है, जाके गया हाथ जोड़ लिया, यार पीरदान जी जानते हो आर के मार्बल कौन है, मेरा कारोबार मेरी टीवी अखबार सबको आप बर्बाद करा दोगे। ये महेंद्र सिंह रावत था, इसके सामने चुनाव लड़ा था, इन्होंने अपने बेटे के 2 सालों को मेरे पास भेजा था, कहा आप यह विधानसभा चुनाव मत लड़ो, तो मैं बोला आज आपको राजपूत दी गया, 3 साल से मैं और 4.5 महीने मेरी धर्मपत्नी कलेक्टर के बाहर बैठे थे, तब आपको राजपूत नहीं दिया। इसलिए बोलता हूँ समाज हो चाहे पार्टियाँ हो, सबको ये संस्थाएँ हैं, जितने भी ये धार्मिक संगठन है, किसी को दान, किसी को चंदा, किसी को चुनावी चंदा, किसी को मार्बल, प्रताप सिंह खाचरावास मेरा समधी है, उसके घर में मेरा रिश्तेदारी है, उनके पास गया था तब मुझे पता लगा कि वहाँ वैशाल नगर में मार्बल, उनके मॉल के अंदर मार्बल लगा हुआ, वो आर के मार्बल का फ्री मार्बल है। तो ये सगे संबंधी, यही भंवर सिंह जी पलाड़ा का ये मकान, ये जो मेरे साले साहब का मकान था, भवानी सिंह जी मुंडरू जो ये क्षेत्रीय प्रतिभा संसद के अध्यक्ष है, ये मकान उन्हीं का ही था, यहाँ मैं बेनोई बन के आता था, आज ये पलाड़ा के पास है, क्योंकि पलाड़ा भंवर भवानी सिंह जी शेखावत और मेरे बेनोई कर्ण सिंह जी शेखावत मामा बुआ भाई है। तो फिर ये ऐसे लोग जब घुटने टेक के बने के सामने बैठ गए तो मेरे भाई कौन नेता कौन समाज हाँ करेगा। अच्छा आप अशोक पाटनी का जब इतना जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सरकारों से इतने तालमेल, और इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए कहीं ना कहीं अशोक पाटनी वो शख्सियत रखते हैं जिनसे कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ चर्चा जानकारियाँ लेकर ही कुछ ना कुछ नई योजनाएं भी लाती है, और देश के जीडीपी में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ भी होता है। ऐसे में इन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप जो आप लगा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार कभी जांच कराएगी। आप कितने साल से लड़ाइयों को लड़ रहे हैं? मैं 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, जाँच नहीं मिली, जाँच नहीं मिली इसका मतलब कि मैं चुप बैठ जाऊँ। दूसरा, आपने बताया कि कोई भी प्रधानमंत्री सरकार बन जाए, आप मीडिया वाले हैं, आप सब लोगों के पास डाटा रहता है, नीरा राडिया टेप कांड के अंदर खुद मुकेश अंबानी ने कहा था कि मनमोहन सरकार मेरी दुकान है। जब मनमोहन सरकार दुकान हो सकती है तो मोदी वसुंधरा गहलोत की सरकार है, पाटनी की दुकानें क्यों नहीं हो सकती? आज से 20-25 साल पहले यही अंबानी के पिताजी पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करते थे, वैसे ही आर के मार्बल के बाप दादा मेरी देखने के अंदर यह किशनगढ़ में बोरी टाट सुहा सूतली मंडी में बेचते थे। कहाँ से यह पैसा आया? भैरू सिंह जी की सरकार थी, कैलाश मेघवाल खान मंत्री थे, गाउचर की जमीन में अवैध दस्तावेजों से यह राजसमंद वाली इसकी माइंस दी हुई है। जैसे मैंने बोला कि 5,000 करोड़ का कोल ब्लॉक सरकार केंद्रीय नियमों के अवहेलना करके दिया है, वैसे इसको खान को दे रखा है। जितने भी अभी इसको भू संपदाएं मिल रही है सरकारें दे रही है, सरकारों का बराबर हिस्सा है, बराबर इनके शेयर है। और आप कहते हो कि देश की रेवेन्यू आज यदि मैं भारत सरकार या राजस्थान का 50,000 करोड़ रुपए खाऊंगा और उसके अंदर यदि मैं 10,000 करोड़ का टैक्स दे दिया या मैंने चंदा दे दिया या मैंने कोई धर्मशाला या हॉस्पिटल या अन्य धार्मिक कामों में यदि मैंने दे दिया तो नाम तो मेरा हो गया, लेकिन नाम 10,000 करोड़ का हुआ, उसके पीछे 40,000 करोड़ तो मैं खा गया। इसी हिसाब से ये अंबानी पाट अडानी बने थे, वैसे ही आज ये पाटनी बना हुआ है। 2 दिन से आपका ही चैनल खबर चला रहा है, यहाँ 2 मार्बल यूनिटों के ऊपर छापे गिर रहे, बैंकों से मशीन मंगा के पैसा गिनाया जाता है। वैसे ही 23 सितंबर 2015 को आर के मार्बल के 29 ठिकानों के ऊपर छापे गए थे, जिसमें 201 करोड़ रुपए कालाधन मिला था, लेकिन जब ऊपर से दबाव पड़ा, वित्त मंत्री का दबाव पड़ा,
सब लोगों अमीषा का दबाव पड़ा, न मीडिया के अंदर ये खबर आई, न पूरा ये डाटा बताया, लेकिन मैंने 18 साल तक आर के मार्बल के साथ रहा हूँ, इनके मालिकों के साथ रहा हूँ, जहाँ जहाँ इन्होंने उद्योग लगाए वहाँ पे मेरी उपस्थिति थी। और मेरे उस टाइम तो ये कहते थे कि इस हाथ पीरदान का लगवा दो, पीरदान की बहुत अच्छी है, तब तो पीरदान इनके लिए लक्ष्मी था, आज दिवाला का रूप हो गया, क्योंकि मैंने ओवरलोड के खिलाफ अभियान उठा दिया। ओवरलोड पे पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2005 को लगाई थी, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करना चाहता था और यह मुझे अवेयर ना करना चाहता था, यही तो मेरी लड़ाई है। इसके अलावा न कोई हमारी लेन देन की लड़ाई है, न ओवर है, लेकिन झूठे मुकदमे डाल के ओवरलोड माल चलवाने के लिए दबाव डाल के बर्बाद किया। और ओवरलोड माल चलाने में इसको महीने में हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहे थे, दस्तावेज मेरे पास है, टैक्स की रसीदें, कांटा की, रॉयल्टी की, सरकारी नियमों की, क्या क्या है, एक एक शब्द, एक एक कागज मेरे पास है, लेकिन मेरे भाई ले जाके दिखाऊं कैसे। जब 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 आप ये कह रहे हैं कि अब सब लोग मिल गए हैं, सारे लोग मिल गए हैं, सरकारें मिल गई हैं और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी मिल गए हैं, सामाजिक संस्थाएं भी मिल गई हैं, ऐसे में आपके मामले की जांच होगी कैसे, करेगा कौन? मैंने बताया भगवान और संविधान पे भरोसा है, आपको खुद को पता है कि आसाराम जैसा जिसके दोनों सरकारी कदमों में गिरती थी, जिनके पास में करोड़ों फॉलोवर थे, जिनके पास में अरबों की दौलत थी, राम रहीम के सामने हरियाणा की हर सरकार कदमों में गिरती थी, उसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब वहां जाते थे, वक्त आया तो एक जांच अधिकारी मिला था और एक जज ने फैसला सुनाया, एक नाबालिग बच्ची ने आसाराम पे केस दर्ज कराया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन जब दोनों आज 20-20 साल की जेल में पड़े हैं, तो मेरे भाई ऐसी यदि खबरें आती है तो पहले बोला जैसे संविधान पे भरोसा है कि एक भगवान का भेजा हुआ कोई दूत कभी भी आ सकता है, वो तब आएगा जब मैं सही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, मैं रघुकुल हूँ भगवान राम को 14 साल, मैं महाराणा प्रताप की राजस्थान में उनको 8 साल, मैं अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज की इनको भी कितने हुआ था, वैसे ही मेरा भी कोई ना कोई समय ऊपर वाले विधाता ने फिक्स कर रखा है 10 साल 15 साल, और फिर भी नहीं हुआ, तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भी मौजूद थे, अर्जुन भी मौजूद थे, लेकिन अभिमन्यु चारों तरफ से घिर गए थे, वो मर गए थे, तो मेरे भाग्य में या तो मौत और या फिर न्याय, लेकिन मुझे न्याय इसलिए उम्मीद ज़्यादा है कि यदि मुझे न्याय उम्मीद नहीं होती तो 10 साल में जैसे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, दारिया एनकाउंटर हुआ, आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, वैसे पीरदान का भी एनकाउंटर हो सकता था, कितने इसके पास गुंडे हैं, कितनी सेनाएं हैं, कहीं भी मेरे में दिल्ली जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, राजसमंद जाता हूँ, 10 साल से आप देख रहे हो रोड पे जाता हूँ, फेसबुक पे लाइव डाल के फिर जाता हूँ, कहीं मरवा देता, इसलिए कहता हूँ भाई कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला है, और यदि मेरी ये जो उम्मीद बढ़ रही है ये यदि मारा जाता है न्याय नहीं मिलती अब तक पीरदान पाटनी मामला खत्म हो जाता, ये जिंदा है, ये मेरी उम्मीद है। चलिए, पीरदान सिंह राठौड़ को अभी उम्मीद और संविधान पर भरोसा तो बना हुआ है, उस सवाल का जवाब कि आखिरकार कौन बनेगा मेयर शो की कुर्सी पर, ई रिक्शे की सवारी पर हमने पीरदान सिंह राठौड़ को क्यों बैठाया था, क्योंकि अगस्त में अजमेर के अंदर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और पीरदान सिंह राठौड़ इस नगर निगम चुनाव पे कुछ उम्मीद फिर लगाए हुए हैं, क्या बात है, नगर निगम के चुनाव में इस बार परिवार से किसी को खड़ा करने वाले? देखो सर, ये मैं हमेशा कहता था कि राजनीति गंदी चीज है, मेरे बस की बात नहीं है, राजनीति में झूठ कपट पैसा अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन कहते हैं कि मार मार मुसलमान बनाना, मतलब जैसे मजबूर किया था तब मेरे को लोकसभा उपचुनाव लड़ना पड़ा था, सावरमल जी स्वर्गवास हो गए थे तो तब मैंने लड़ा था, उसके बाद जब मेरी नहीं सुनवाई तो मैंने विधानसभा चुनाव भी 2 जगह से लड़ा था, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी बेटी लड़ेगी, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, हार गए तो हार सबकी होती आई है, मेरी भी हुई है, जीत गए तो वो जीत अजमेर की जनता के नाम होगा, मैं आपको आपके चैनल से अजमेर की जनता को एक भरोसा देता हूँ, क्योंकि मैं कहता वही करता हूँ, यदि पीरदान या पीरदान के परिवार में
कोई भी सदस्य महापौर का हिस्सा बन गया, चुनाव में जीत मिल गई, तो आने वाले 5 साल में इस अजमेर के विकास, इस अजमेर की कानून व्यवस्था, इस अजमेर की ट्रैफिक व्यवस्था, अजमेर में जो हर दिन चोरियां, डकैतियां, बलात्कार हो रहे, इन सब के लिए अजमेर से लेकर दिल्ली तक लाइन बना के और एक ऐसा इतिहास नया पैदा करवा दूंगा कि जनता भी जिंदगी में याद रखेगी। चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ा तो मेरी बेटी लड़ेगी, क्योंकि दोनों बात है, चित भी मेरी है, पट भी मेरी है। जीत गए तो अजमेर की जनता के नाम है, हार गए तो कम से कम उस टाइम भी हम आपके सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे कि हमें सिर्फ एक न्याय हक अधिकार नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर हमें चुनावों के अंदर आना पड़ रहा है। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, चुनाव हमने लड़ा है और अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, आना चाहिए, वरना आज आप देख रहे हो 70 साल 72 साल की आज़ादी में वही भुखमरी है, वही गरीबी है, वही जातिवाद है, वही धर्मवाद है। इन सब लोगों पे अंकुश लगाने के लिए किसी न किसी आदमी को जान हथेली पे लेके बाहर आना पड़ेगा। अब तक यहाँ पे जितने भी आते हैं इनके घोषणा पत्र अलग होते हैं, इनकी कथनी करनी अलग होती है, ये अपने आला कमान के गुलाम होते हैं, जनता इनकी मालिक होती है। इनको लूटना, परेशान करना, या 3 दिन से आप खुद चला रहे हैं कि यहाँ महापौर जो धर्मेंद्र गहलोत के कैसे क्या हो रहे हैं, बिल्ली लड़ाई, कुत्तों जैसी लड़ाई, ऐसा लड़ रहा जैसे भारत पाकिस्तान ही नहीं लड़ रहे, तो ये फिर जनता के सेवक क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको मिलजुल के जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के विकास कार्यों में काम करना चाहिए, जो अपनी मूंछ की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई, किसी को नीचा दिखाना, ये भाई मेरे बस में नहीं है। चुनाव लड़ूंगा मैं, नहीं तो मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, और कोशिश करूंगा किसी राष्ट्रीय पार्टी से अब की बार टिकट लेने की, क्योंकि पिछली बार मुझे अनेक राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दे रही थी, लेकिन मैं आला कमान स्वीकार नहीं करता, लेकिन बेटी चुनाव लड़ेगी तो किसी का हम टिकट ले लेंगे, और पीरदान लड़ेगा तब स्वतंत्र निर्दलीय ही लड़ेगा। चलिए, स्वतंत्र निर्दलीय लड़ेंगे, सवारी को यहीं रोकेंगे और एक दो सवाल और आपके साथ कर देंगे। भैया जी यहीं रोकिए, ये बात और बताइए, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी या फिर निर्दलीय, किससे, क्या मानस है आपका, किसी राष्ट्रीय दल से आप चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? गजानन जी के सामने देता हूँ आपको वचन, ये बात कि हमारे गणेश जी का मंदिर है, यही मेरे लिए भगवान, इधर आ जाओ आप। तो ऐसी बात का जवाब ऐसी ही जगह दे तो अच्छा, ताकि कि वो कहते रहे भगवान को साक्षी मान के। हाँ तो सर, आपकी बात का जवाब यह है कि राष्ट्रीय पार्टियों से मैं यदि चुनाव लड़ा, टिकट मिला, तो मेरी पैराई थी आम आदमी पार्टी, जो मैं पिछले 8 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने एक इस देश को नई राजनीति दिखाई है, जो उसने किया है, कहा वो करके दिखाया है, और जो आपके संविधान के अंदर आम इंसान, आम आदमी के लिए क्या क्या न्याय हक अधिकार मिला है, वो आदमी आज वहाँ दे रहा है। 5 साल दिया है, उस 5 साल के काम पे उसने वोट मांगा है, रिकॉर्ड विश्व बना दिया भारत के इतिहास में, 90% सीटें की लाया है, तो जनता का विश्वास। तो चुनाव लड़ूंगा तो ऐसी पार्टी से लड़ूंगा जिससे हार हो वो जीत से बढ़कर होती है, और जीत हो गई तो वो जीत अजमेर की होगी, वो आम आदमी की होगी, मेरे इस मोहल्ले की होगी, आपकी होगी, सबकी होगी। और यदि वहाँ से नहीं है तो फिर आपको बताया निर्दलीय लड़ूंगा, और बेटी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों में कोई भी देगी तो वो ले लेगी, वरना वो भी निर्दलीय ही लड़ेगी। अच्छा, अब आखिरी सवाल और बता दीजिए, कौन बनेगा मेयर शो MPTV इंडिया का, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ एक कौन बनेगा यही नहीं कहूँगा, मैं आपको 1 जनवरी 2014 से निजी तौर पे जानता हूँ। 1 जनवरी 2014 याद कर लो, अजमेर रेल से बैठ के दिल्ली गए थे, कौसामी गए थे, आम आदमी पार्टी, मैं तब से जानता हूँ, आप जी में भी थे, आप अन्य चैनलों में थे, उसके बाद आपने कहा है। आज की तारीख में पीरदान जो कहता है वो ठोक के कहता है, आज की तारीख में MTV इस
अजमेर का ही नहीं राजस्थान का नंबर वन चैनल है जो अजमेर के अंदर खबरें छिपती है वो सुशील पाल के एमटीटीवी में छपती यानी दिखती है और आगे भी दिखेगी। जिन लोगों के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ कांड हुए हैं रेप कांड नाबालिगों के साथ किसी भी राष्ट्रीय मीडिया अखबारों ने हिम्मत नहीं थी। सुशील पाल ने अपना खुद का कैरियर जान चैनल को दांव पे लगा के उन बलात्कारियों का चेहरा उजागर किया और अंदर जाके अभी अधिकारियों का जब भांडा फोड़ा तो सुशील पाल पे केस तक दर्ज हो गया था लेकिन सुशील पाल हारा नहीं था। तो मेरे भाई 1 जनवरी 2014 से जब से तेरा साथ मिला है जब से इस चैनल का साथ मिला है सभी चैनल वाले भी तेरे को सलाम करते हैं अजमेर की जनता भी करती है और ये 1101 दिन का 51 दिन का अनशन कार्य तो तेरे को सैल्यूट करता है क्योंकि मैं न चमचागिरी करता हूँ न मैं फालतू बुराई करता हूँ लेकिन अच्छाई होती उसको अच्छाई भी कहता हूँ बुराई को बुराई कहता हूँ। मुझे सुशील से कुछ नहीं लेना सुशील को पीरदान से नहीं लेकिन रघुकुली होने के नाते एक आम इंसान संविधान की पालना करता हूँ इसलिए सच को सच झूठ को झूठ कहता हूँ। वो एक कहावत है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने का आदी हूँ इसीलिए तो मैं मेरे शहर का सबसे बड़ा प्रसादी हूँ सबसे बड़ा प्रसादी पीरदान है तो दूसरे नंबर सुशील पाल है। चलिए दर्शकों का प्यार है दर्शकों की अपनी अपनी राय है। कौन बनेगा मेयर शो में आज के लिए केवल इतना ही। कौन बनेगा मेयर शो की सवारी आपके वार्ड में भी आने वाली है आपके वार्ड पार्षद के साथ आपके दर तक आएंगे आपके घर तक आएंगे और जानेंगे आपके वार्ड के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं और कौन से काम अधूरे रह गए हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल स्टेशन रोड अजमेर कॉन्टैक्ट 8114-82312। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer.